मेरठ नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह में हंगामा हुआ है। AIMIM के जो कार्यकर्ता हैं वो बेहद गुस्से में, उन्हीं से जान लेते हैं क्या हुआ आपके साथ। साहब वंदे मातरम गाने की बात थी, हमारा कोई संवैधानिक चीज नहीं है अगर उसको करना, कोई किसी के बिल्कुल प्रेशर में करेंगे। दो बार वंदे मातरम करा रहे हैं साहब, अगर हमारे लोग नहीं खड़े हुए तो उनके साथ मारपीट की जा रही है, प्रशासन के सामने मारपीट की जा रही है। DM साहब वहाँ मौजूद हैं, तमाम अधिकारी वहाँ मौजूद है, कलेक्टर साहब वहाँ मौजूद हैं, उनके सामने BJP के लोग बदतमीजी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उतारू है मारपीट करने पर। साहब आपके साथ मुझे तो बहुत मारा है, मेरा चश्मा तक तोड़ दिया उन्होंने, मैं तो खड़ा था, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि दोबारा क्यों नहीं खड़े हो रहे। मैंने कहा भाई एक दफे हो तो गया है, उन्होंने नहीं खड़े हो आप, फिर मुझे मारा उन्होंने। मोहम्मद आसिफ सैफी, वार्ड नंबर 79 का पार्षद हूँ। नु कह रहे हैं यहाँ से भगाओ, इनका कोई काम नहीं है। बताओ ये सब जगह ये हालत है तो क्या होगा आगे को? नहीं, ये चाहते हैं प्रोग्राम निगम का है या ये प्रोग्राम BJP का है? BJP के प्रोटोकॉल से प्रोग्राम चलेगा? नहीं, मारपीट हुई है, ये खींचा है मेरा उन्होंने और हमें डाल लिया था उन्होंने। मतलब उन लोगों को हम बता रहे हैं कि भाई ये संवैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ नहीं कि हम वंदे मातरम गाएंगे, हम राष्ट्रीय गीत गाएंगे, खड़ा होकर गाएंगे, सीना चौड़ करके गाएंगे, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, लेकिन कोई हमसे जबरदस्ती अगर ये गाएगा वंदे मातरम बोलो, गर्दन कट सकती है लेकिन हम नहीं बोलेंगे। नहीं झुकेंगे नहीं साहब, अगर कोई BJP ये चाहती है कि हमारी गर्दन पर तलवार भी रख दे और हमसे वंदे मातरम बुलवा ले, साहब बिल्कुल नहीं बोलेंगे, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद और जय हिंद की बात करेंगे, इंकलाब जिंदाबाद की बात करेंगे, BJP से टकराने के लिए बिल्कुल तैयार है। जेल भेजना चाहे सरकार जेल भेज दे, मुकदमे लगाना चाहे मुकदमे भेज दे, लाठी चलाना चाहे लाठी चला दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गैर संवैधानिक बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देखिए जो AIMIM के तमाम कार्यकर्ता हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, इनका सीधा ये कहना है कि जब वंदे मातरम नहीं गाया गया तो उनके साथ मारपीट की गई है और वो इस तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी बड़ा आंदोलन क्यों ना करना पड़े। सर ये नगर निगम का शपथ ग्रहण समारोह था, क्या रहा? ये नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह के प्रारंभ में वंदे मातरम गीत का गायन किया गया था, जिसको लेके AIMIM के कत पे पार्षदों द्वारा कुछ आपत्ति की गई थी, जिस पर वहाँ मौजूद अन्य पार्षदों के द्वारा उनके साथ विवाद किया गया। वहाँ मौजूद पुलिस बल के द्वारा तत्काल इन सभी लोगों को परिसर से बाहर कर दिया गया था। शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, जिन लोगों को बाहर किया गया है अगर इनके द्वारा कोई तहरीर प्रस्तुत की जाएगी तो नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये बोलते हैं कि वंदे मातरम दोबारा होगा, वो विवाद चाह रहे थे साहब, हम नहीं, कोई इसका संवैधानिक गीत है क्या साहब? हम राष्ट्रगान बोलेंगे, हम जय हिंद बोलेंगे, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, हम नहीं गाते वंदे मातरम। वो आपकी धारणा आपकी हो सकती है कि आपका धर्म का कोई हो सकता है मसला, हमारा नहीं है साहब, हमारा नहीं है, हम नहीं बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर नारा तकबीर अल्लाह अकबर लगाएं तो BJP वाले बर्दाश्त करेंगे? आए हमारे साथ, करते हैं, हम कुरान की आयत पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़े हमारे साथ कुरान की आयत खड़े होकर, जबरदस्ती हम नहीं पढ़वा रहे ना साहब किसी को, जबरदस्ती कैसे पढ़वा देंगे? हमारे पार्षदों को मारा गया, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया, दिलशाद सैफी को मारा गया, वार्ड 75 के पार्षद हैं, महानगर के महासचिव हैं इरशाद अलमा साहब, उनको मारा गया। अगर BJP के लोग ये चाहते हैं कि हमारी गर्दन पर छुरी रखकर जबरदस्ती हमसे वंदे मातरम बुलवा लेंगे तो हम तमाम तरीके से तैयार हैं। ये दिलशाद सैफी साहब है, इनको मारा, दिलशाद सैफी साहब है, इनके साथ मारपीट की गई, इनका देखिए कुर्ता भी फट गया, क्या हुआ दिलशाद? मेरे साथ वंदे मातरम के ऊपर मामला था, वंदे मातरम शुरू हुआ, हम लोग सभी खड़े हो गए, वंदे मातरम जैसे ही खत्म हुआ गलत हो गया, फिर दोबारा शुरू हुआ, पर अरे भाई सुनिए जरा, फिर दोबारा वंदे मातरम हुआ, दोबारा वंदे मातरम हुआ तो हम लोग दोबारा भी खड़े हो गए। दोबारा खड़े होने के बाद में वो बोले कि आपने वंदे मातरम क्यों नहीं कहा? अरे भाई हम खड़े तो हो गए, जब आपसे ठीक नहीं पढ़ा जा रहा तो हम कैसे ठीक पढ़ेंगे, आप दोबारा कर रहे हैं। उसके बाद भी मैं बोले कि आप तो MIM पार्टी से, आप लोग यहाँ से जाइए, ऐसे कैसे चले जाएं, हम कैसे चले जाएं आप, ये इनका इन्हें किसने राइट नहीं है, हमारी पार्टी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड नहीं है। BJP के लोग हमसे कह रहे हैं पाकिस्तान चले जाओ, ये BJP के फर्जी देशभक्त हमसे कह रहे हैं, अरे हमारा कुरान हमें कह रहा है हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत हमारा ईमान है, वतन से मोहब्बत हमारा आधा ईमान है, ये फर्जी देशभक्त नहीं सिखाएंगे BJP के लोग हमें कि हमें कहाँ जाना है, क्या रहना है, क्या खाना है, क्या पहनना है और क्या गाना है। क्या हुआ आपके साथ? नहीं वही हुआ जो अभी बताया था, वंदे मातरम को लेकर हुआ था, हमने कहा भाई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता इस चीज को, हम वंदे मातरम कहें, हम राष्ट्रीय गीत गाएंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेंगे, अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो तुमसे होता हो कर लेना। तो उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, पार्षदों के साथ मारपीट की, देखिए शपथ ली आपने नहीं, नहीं ये भगा दिया, कह दिया ना बाहर निकालो यहाँ से, इनका कोई काम नहीं। पार्षद वहाँ मौजूद थे, समाजवादी और बसपा के पार्षद भी वहाँ मौजूद थे, कांग्रेस के पार्षद भी वहाँ मौजूद थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई जब BJP के गुंडों ने मारपीट की। इससे साबित ये होता है ये तमाम लोग BJP के सामने सरेंडर कर चुके हैं, वही जगह MIM पार्टी है, हम डटकर मुकाबला करेंगे, जेल जाएंगे, लाठी खाएंगे, हमारा कत्ल कर दे, हम तैयार है, गैर संवैधानिक बात नहीं मानेंगे, BJP से नहीं डरेंगे। सबके सामने भगाया कि भगाओ यहाँ से इनको, मुसलमानों को, इनके
आजाद समाज पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष हूँ पवन गुर्जर, और सारी घटनाक्रम सारा घटनाक्रम मेरे सामने हुआ है। ये सब एक रचा रचाया प्लान है, क्योंकि ये लोग 2024 को इससे देख करके जोड़ करके चल रहे हैं, और ये इन लोगों को देश विरोधी साबित करना चाहते हैं। वंदे मातरम हुआ, ये गलती इन लोगों की है जो बड़े बड़े पद लेकर के मंच पर बैठे हैं, और ये लोग वंदे मातरम नहीं जानते, तो ये गलती इन लोगों की है। इन लोगों ने वंदे मातरम पढ़ा, हम गवाह हैं इस बात के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मेरे सामने इन लोगों पर बोतल बजाई है, इनके साथ हाथापाई की है। आजाद समाज पार्टी हर कदम पर इन पार्षदों के साथ खड़ी है, क्योंकि हम लोग संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं, बाबा अंबेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं। ठीक है सर, क्या आपके साथ भी थे? मैं भी था सर वहाँ पर। जिस तरीके का व्यवहार हुआ और प्रशासन के सामने व्यवहार हुआ है, बड़ा शर्मनाक मतलब कहने का मंजर था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जहाँ ये बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर ये नाम नारे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं क्या मतलब कहने का आपत्ति है MIM वालों से, कि जिसमें 1,28,000 समथिंग वोट जी मतलब कहने का दूसरे नंबर में हमारे प्रत्याशी रहे हैं, इन्हें क्या आपत्ति है कि जो पब्लिक ने चुन के पार्षदों को यहाँ भेजा है, और इनका क्या हक है उनको निकाल के वहाँ नू जी तुम यहाँ नहीं बैठोगे? इमरान भाई आपसे जानना चाह रहा हूँ, अब क्या कदम होगा आपका? हमारा पहला कदम ये होगा साहब कि हम सबसे पहले यहाँ से थाना मेडिकल जाकर इन बीजेपी के गुंडों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। अगर बीजेपी अगर प्रशासन सत्ता के दबाव में मुकदमा दर्ज नहीं करता है, तो हम थानों पर SPCT और कप्तान के कार्यालय पर धरना देने का काम करेंगे। जो हमारा राइट है साहब, उसको हम हासिल करेंगे। शपथ तो नहीं हुई आपके पास? नहीं, अभी शपथ नहीं हुई साहब। शपथ के हालात दिख रहे हैं साहब आपको, प्रशासन नाकाम है बीजेपी के गुंडों के सामने, नाकाम है प्रशासन। बीजेपी प्रशासन का कोई आदमी वहां मौजूद नहीं था हमारे किसी पार्षद को बचाने के लिए। DM साहब वहां मौजूद है, SPCT साहब वहां मौजूद है, कलेक्टर साहब वहां मौजूद है, तमाम प्रशासनिक अमला वहां मौजूद है, उनके सामने गुंडागर्दी की जा रही है। ऐसे में शपथ लेने के हालात है? तो देखिए कि जो AIMIM के जो तमाम कार्यकर्ता है वो किस तरीके से बेहद गुस्से में है, और सीधा कह रहे हैं कि इस मामले में वो जिन लोगों ने भी मारपीट की है उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराएंगे, और अगर उनकी नहीं सुनी जाती है फिर तो तमाम जगह जो धरना प्रदर्शन है वो किया जाएगा। यानी एक बार फिर कहीं ना कहीं मेरठ में वंदे मातरम पर विवाद के बाद मारपीट हुई है, और ये मामला बहुत गर्मा गया है। मेरठ नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह में AIMIM के कार्यकर्ता और पार्षदों के साथ मारपीट हुई है, इस पर बीजेपी के लोग क्या सोचते हैं उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि दौड़ा दौड़ा के हम लोगों को पीटा गया, किसने उन्हें हक दे दिया? सचिन सिरोही मेरठ से। पहली बात तो यह है, जब वंदे मातरम का गीत हो रहा, जब पूरे हॉल खड़ा हो रहा, ये विशेष है AIMI के लोग, ओवैसी ने यह कह दिया कि वंदे मातरम के गीत पे जो है आप खड़े नहीं हो ना, आपको मान सम्मान देश के अंदर रहकर करना नहीं है। तो जिस तरीके की हरकत करेंगे उस तरीके का परिणाम इन्हें भुगतना पड़ा। जनता ने मारा, जो जनता थी, किसी पार्षद ने नहीं मारा, किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं मारा, किसी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने नहीं मारा। जो महिला वहाँ बैठी हुई थी उन्होंने विरोध करा इस चीज़ का, और जब महिला मातृशक्ति हमारा विरोध कर रही है, इन लोगों का विरोध कर रही है, तो आप देखिए जब उनमें इतना गुस्सा है तो आप बताइए हम लोगों में कितना गुस्सा। हम तो शांत, हमने तो हाथ भी नहीं लगाया किसी ने वहां पर। तो ये गलत कर रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रगान हो चाहे वंदे मातरम हो। देश के अंदर रहना तो संविधान के हिसाब से जो चीजें हैं जो संविधान की माननी पड़ेंगी, और जब यहाँ इतना अच्छा कार्यक्रम व्यवस्था करी गई है, क्यों बिगाड़ा इन्होंने माहौल? क्यों ये खड़े नहीं हुए? जब सब लोग खड़े हुए तो खड़ा होना चाहिए था। तो राष्ट्र से राष्ट्र की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, तो इसलिए राष्ट्र के हिसाब से ही चलना पड़ेगा अगर यहाँ रहना है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।